केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसान तीन कानूनों को रद्द किए जाने के कम पर कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने यहां तक कहा है कि वो 1.5 साल तक इन कानूनों को स्थगित कर देगी और इस दौरान वो सुझाव आएंगे उसी के हिसाब से चीजें लागू की जाएंगी। लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक कानून निरस्त नहीं होंगे तब तक उनकी घर वापसी नहीं होने वाली। अभी हम जरा आज 26 तरीक तो बाद साढ़े जरा माहौल है वो सरकार ने सानू उग्रवादी दस दी भी है। लेकिन देखो जी कोई गल नहीं गी इन्हों के आपदे ही बंदे ने जोड़े मतलब कि RS के बंदे ने जिन्होंने झंडा चलाया है साढ़े बंदे सारे जी जथेबंदियां संयुक्त मोर्चे दियाँ उन्होंने परेड करनी सी असी परेड शांतमई नाल कीती है ते असी साढ़े तो इतना ब्लेम लाए जाने हुण साढ़े करीब मेरे हिसाब नाल 170 बंदे ने करीब परचे किए हुए हैं ते 120 बंदे साढ़े अंदर ने ते 30-35 लीटर ने ते हुण सरकार कहिंदी वी गलबात करो उन्हां ही उन्हां नूं जवाब दित्ता जो उन्हां दी गलबात कोई नहीं होएगी जिन्हां ने साढ़े बदल उन्हां तुसीं रद्द नहीं करदे परचे ते साढ़े बंदे जिहड़े अंदर फड़े हुए उन्हां नूं तुसीं रिहा करो। जिहड़ा केंद्र सरकार दा रवैया उहदे तों किसान काफ़ी परेशान आ। जिवें साढ़े बजुर्ग बच्चे बच्चियां साडियां रोड़ां दे उपर बैठियां ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਾ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੜਾਧੜ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹਮਾਰਾ 6 ਤਾਰੀਖ ਕਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਾ ਕਿਸਾਨੋਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ਰਿਯ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਆ ਹੈ। ਹਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਕਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕਾ ਇਨਸਾਨ ਆਜ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਿਆ ਦਾ ਕੱਲ ਕਾ इसमें बिल्कुल पीसफुल तरीके से किसान ने यह जता दिया कि हम किसी भी प्रकार के उपद्रवी नहीं हैं, हम शांति प्रिय इंसान हैं और आगे की रणनीति हमारी ये रहेगी कि जो भी संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली हमारी जो मेन शीर्ष है जैसे जैसे वो आदेश हमें देगा उसके अनुसार